गाइस वेलकम टू माय चैनल दैट्स का अलग अलग। मैं हूं कांक्षा। आज की इस वीडियो में मैं अपना पूरा एक साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूं डॉट एंड की के विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर के साथ, जो कि आपको इस टाइप के आउटर बॉक्स में मिलता है। इस आउटर बॉक्स पे आपको सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फुल इंग्रीडियंट लिस्ट, इसमें कौन से इंग्रीडियंट हैं, वो क्या काम करते हैं, क्या इसमें स्पेशल डाला गया है और क्या चीज इस मॉइस्चराइजर को मार्केट में अवेलेबल बाकी विटामिन सी मॉइस्चराइजर से अलग बनाती है। और ये है इसकी बहुत ही क्यूट सी यूजुअल सी पैकेजिंग, जैसे कि डॉट एंड की के मोस्टली फेस मास्क और मॉइस्चराइजर्स की पैकेजिंग होती है। इस बॉटल को आप रीयूज भी कर सकते हैं जब आपका मॉइस्चराइजर या फिर आपका प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए। मैं जनरली इन्हें छोटा मोटा जो मसाला होता है उसे रखने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैं उसकी कंसिस्टेंसी आपको सबसे पहले दिखा देना चाहूँगी। इसके ऊपर आपको इस टाइप का एक लिड मिल रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट सी कंसिस्टेंसी में जेल टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर है, जो कि सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। और इसके साथ साथ आप इसे सर्दियों में, गर्मियों में, किसी भी मौसम में बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। इसमें फ्रेग्रेंस और कलर दोनों ही यूज किए हुए हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं इसे पिछले एक साल से यूज कर रही हूँ, ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली यूज कर रही हूँ और मुझे इससे इसकी फ्रेग्रेंस या फिर कलर से कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा, जबकि मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली, एक्नी प्रोन और सेंसिटिव है। अब मैं बात करना चाहूंगी इसके मेन पॉइंट्स की, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे अलग लगता है और इसके इफेक्ट्स भी मैंने पर्सनली विजिबली अपने स्किन पे ऑब्जर्व किए हैं। इस फेस मॉइस्चराइजर में आपको तीन टाइप के विटामिन सी मिल रहे हैं। सबसे पहले इसमें एस्कॉर्बिक एसिड है, काकादुपलम है और इसमें ब्लड ऑरेंज है। ये तीनों ही टाइप के जो विटामिन सी हैं, ये आपकी स्किन पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड आप सभी को पता है एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है और उसके साथ साथ फाइन लाइन्स, रिंकल्स, पिगमेंटेशन पे काम करता है। काकादुपलम आपकी स्किन में ब्राइटनेस को बूस्ट करता है। उसी तरीके से ब्लड ऑरेंज जो है ये एक सुपर फ्रूट है जिसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलती है। तो ओवरऑल ये जो तीन टाइप के विटामिन सी आपको इसमें मिलते हैं, ये आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन पे काम करेंगे, रिंकल्स, फाइन लाइंस पे काम करेंगे और इसके साथ साथ आपकी स्किन ग्लोई और ब्राइटनिंग इफेक्ट को बूस्ट करेंगे। इसके साथ साथ विटामिन सी आपकी स्किन में कॉलेजन सिंथेसिस को भी प्रमोट करता है। इस मॉइस्चराइजर में आपको और भी कई सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट मिलते हैं, जो कि आप चाहिए तो इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको शिया बटर मिल रहा है, बहुत सारे न्यू एज मॉइस्चराइजिंग एजेंट इसमें डाले गए हैं। इसमें रोज हिप सीड ऑयल है जो कि ब्राइटनेस को इम्प्रूव करता है। इसमें वीट ग्राम ऑयल है जो कि मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी रखता है। इसके साथ साथ कुछ नेचुरल शुगर और सिट्रिक एसिड भी इसमें डाला गया है। इसमें आपको कोई हार्मफुल केमिकल नहीं मिलता और इसकी अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर लें मॉर्निंग में, तो आपको विटामिन सी सीरम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मॉइस्चराइजर में ही आपको इनफ विटामिन सी मिल जाता है, इनफ एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल जाते हैं कि आपको कोई भी विटामिन सी सीरम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप अपने स्किन केयर रूटीन को मिनिमल रखना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कभी कभी कि हमें कोई अच्छा विटामिन सी सीरम हमारे स्किन टाइप और स्किन कंसर्न के हिसाब से नहीं मिलता, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस मॉइस्चराइजर पे आराम से रिलाई कर सकते हैं। ये आपको वो सारे के सारे बेनिफिट्स देगा जो कि कोई भी आपका लो कॉन्सेंट्रेशन वाला विटामिन सी सीरम दे सकता है। इस मॉइस्चराइजर को मैंने कभी भी अपने विटामिन सी सीरम के साथ पैर नहीं किया है, क्योंकि विटामिन सी सीरम के साथ विटामिन सी वाला मॉइस्चराइजर लगाना मुझे लगता है कि मेरी स्किन के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप बिगनर हैं या फिर आप मिनिमल रखना चाहते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन को, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि एक बार आप ये सुपर ब्राइट डॉट इन की का विटामिन सी प्लस ई मॉइस्चराइजर ट्राई करके देखिए। आई मस्ट से गाइस, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि आप रिग्रेट नहीं करेंगे। ये बहुत ही एक अमेजिंग सा प्रोडक्ट है और इससे आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहा गारंटीड है। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इसे आपकी एज चाहे कोई भी हो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे नाइट स्किन केयर रूटीन में भी आराम से ऐड कर सकते हैं। विटामिन सी के साथ साथ इनका रेटिनॉल एंड सेरामाइड मॉइस्चराइजर है, जिसकी मैं ऑलरेडी 3 tubs यूज़ कर चुकी हूँ। ये दोनों ही मॉइस्चराइजर ऐसे हैं कि अगर आप विटामिन सी सीरम या फिर रेटिनॉल सीरम नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर ले लीजिए और उनका रेटिनॉल प्लस सेरामाइड वाला मॉइस्चराइजर ले लीजिए। आपको और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिंकल्स, फाइन लाइन्स, किसी भी टाइप की कोई इशू अपनी स्किन पर दिखाई नहीं देगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये दो मॉइस्चराइजर अपनी स्किन केयर रूटीन
रूटीन में ऐड कर लेंगी। तो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, तो मैं इन प्रोडक्ट्स को आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगी। अगर आपने भी इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, और आप चाहें तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरा कूपन कोड लगा के फ्लैट 10% ऑफ इट पर अवेल कर सकते हैं। वैसे ये जो वीडियो है वो स्पॉन्सर्ड नहीं है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मुझे उम्मीद है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।